हम भी चलाते हैं इधर है तो आप लोग नेट चलाते हो तो नेट पे यूट्यूब देखते हो क्या? यूट्यूब पे मेरे ऑलरेडी वीडियोस पड़े रहते हैं, आप लोग चाहो तो यूट्यूब पे लॉगिन करके। कौन सा चैनल है? राजू का प्रोग्राम डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसमें करना क्या आपको, वीडियोस पे ऑलरेडी मोटिवेशन टिप्स आपको मिलते रहेंगे, कैसे पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से, हर एक टॉपिक पे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम जारी किया था जिसका मैंने जिक्र ऑलरेडी कल क्लास में किया था, राइट। इस स्कीम में क्या है कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करना चाहता है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं रियली, उनको अलग से उनका नाम सेलेक्ट करना चाह रहा है, और ऐसे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट एक अलग से उनके लिए कोई फंड बना सकता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को मान लीजिए घर के गार्जियन अगर मान लो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट उनको फंडेड करके पढ़ाएगा, क्लियर है। इसमें आपका क्या है, आपका सिर्फ एक टेस्ट होना है, उस टेस्ट में आपको पास होना है। अब टेस्ट में कैसे पास होंगे ये तरीका मैं आप लोगों को आज बताऊंगा और कुछ आपको हिंट्स भी दूंगा, आप लोग उसको करोगे तो आपको आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा, राइट। करना क्या है, आपको डेली न्यूज देखना है, टीवी देखना है, न्यूज देखना, अगर नहीं है सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ टीवी देखो, तो प्राइवेट चैनल बहुत सारे, इंडिया न्यूज आता है, जी न्यूज आता है, बहुत सारे न्यूज आते हैं, तो ऐसे सारे न्यूज को नहीं देखना, कई सारे ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल होते हैं, मतलब कि राजनीतिक पे ज्यादा, मोदी की बात, राहुल गांधी की बात, नेतागिरी वाले ज्यादा होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे सिलेबस में क्या है, प्रधानमंत्री की बात आ जाए, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की बात आ जाए, हाईकोर्ट की बात आ जाए, तो इसमें हम क्या करते हैं कि उसको हम देखेंगे गवर्नमेंट वाला, वही हमारे एग्जाम में आता है, कुछ देखा कि आप ये बताइए कि आपके देश में कितने हाईकोर्ट है, कोई बताए कोई स्टूडेंट क्या हाईकोर्ट नहीं पता है, जो कि क्लास फोर क्लास फाइव का स्टूडेंट बता, इसको बोलते हैं जनरल नॉलेज, राज्य ना, राज्य राज्य मतलब आपके हर एक राज्य में हाईकोर्ट होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका हाईकोर्ट जो है दूसरे राज्य में पड़ता है, ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए तमिलनाडु पांडिचेरी का, जो पांडिचेरी आपका है गढ़वाली होगा का उसका पड़ता है पश्चिम बंगाल, इस तरीके से। अब देखिए करना क्या, आपको डेली मॉर्निंग में आपको पांच बजे उठना है, कितने बजे, पांच बजे उठना है। अभी ये तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे हम पढ़ने में ध्यान नहीं मिल पाए, कैसे हम पढ़ने में तेज बन सकते हैं उसका मैं तरीका सिखा रहा हूँ। आपको डेली मॉर्निंग में पांच बजे उठना है और आपको एक टाइम टेबल डिसाइड करना है, लगभग अगर जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे लाइफ में कुछ बन सकते हो, ठीक है। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है आगे, तो आपको क्या करना है, इस रूल को फॉलो करना है, करेंगे आपको करना क्या, आपको मॉर्निंग पांच बजे उठना है, कैंडिडेट डिसाइड करना है, कैंडिडेट बनाना है, या आपको छह बजे सात बजे तक हमको साइंस पढ़ना है, या सात बजे से आठ बजे तक हमको मैथ पढ़ना है, या इस तरीके से कैंडिडेट बना सकते हैं, ठीक है। उस कैंडिडेट को आपको पढ़ाई करना, जितना भी बुक्स है उसको डायरेक्ट बनाइए, अपन को एक मंथ में पूरा बुक हमको लर्न करें, कल लर्न याद कर ले, ठीक है, अच्छा टारगेट बनाना है उस तरीके से, क्लियर हो। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी टाइप कर सकते हो राजू पट्टा बट रॉडर, ऐसे नहीं बोलते तो मेरा है वहाँ पे भी सारे लेक्चर्स हैं, आप पढ़ सकते हो, मैं इसी सारे वीडियोज में अपलोड किए, चौबीस हाईकोर्ट है, ठीक है। ऐसे पूछे जाएगा क्वेश्चन आपसे कि भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए, इसके पहले कौन से प्रधानमंत्री थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम बताइए, या इसके पहले कौन थे, इस तरीके की तमाम क्वेश्चन जिस भी आपको बता सकते, एक रीजन की बुक आती है जनरल नॉलेज, हाँ करेंट अफेयर की, वो जनरल नॉलेज है, वो आप लोग दुकान पर खरीदे ना मिल जाएगा आपको, उसको पढ़ लेना आराम से, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कैसे पढ़ना है वो तरीका मैं सिखा रहा हूँ, कोई बुक निकालिए आपको, और आपको टेंट चाहिए,
कितने लोगों ने सोचा है कि मुझे हाई स्कूल टॉप करना है? हम ईमानदारी से हम सभी लोग हाई स्कूल में टॉप करना चाहते हैं। चलिए तो आपको मैं कुछ अलग से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे टॉप कर सकते हो। करेंगे आपको एग्जाम्पल से इस बुक में ये तो क्वेश्चन है आंसर ना जो पिछले पूछा गया पिछले ईयर ठीक है वही है ना। क्या करना है कि जो क्वेश्चन मतलब चार बार से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ लिखा हो जिससे मान लो लिखा है ये लिखा है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट 2017, 2014, 2013, 2012, 2011 से लिखा हुआ है ना यानी 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है ना। जहां भी आपको 3 ईयर से ज्यादा दी जाए हमारे पांच पीस है उसमें आप तीन सही लिखते हैं तो ऐसे घुमा के देखिए नंबर मिलेगा हमें इसमें क्या होगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा तो उसके लिए हम पूरा पढ़ेंगे तभी तो सारा क्वेश्चन का आंसर देंगे इस तरीके से सारा सिलेबस क्लियर हो ठीक है। और चलिए आप लोग का फॉर्म आप लोगों ने भर दिया है फॉर्म है आप लोगों ने।